नमस्कार, मैं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से गुरु पूर्णिमा, जाने महत्व। सदस्य पालकों मछुआरों के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण। पूरे 2 महीने तक चलेगा श्रावणी मेला, ऐप पर मिलेगी मेले से जुड़ी जानकारी। रेलवे की तरफ से मात्र 100 रुपए में स्टेशन पर ठहरने के लिए मिल जाएंगे रूम। वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करने वाले राज्यों से बीसीसीआई ने किया मांग। चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के प्रदेश खबरों की ओर विस्तार से। पशुपालन विभाग में 3,444 पदों पर भर्ती। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ओर से 3,444 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट https://bharatiyapashupalan.com होम पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज से गुरु पूर्णिमा, जाने महत्व। आज यानी कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ऐसे में आज का दिन ज्ञान प्राप्ति, सुखी जीवन की कामना और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष समय माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के अवरोध समाप्त हो जाते हैं और उचित एवं अनुचित के प्रति उनकी एकाग्रता बढ़ती है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं के प्रति भक्ति, आस्था, विश्वास का दिन होता है। गुरु के बिना ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति असंभव है। गुरु अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं और अज्ञानता की घोर अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी कारण से इस दिन को गुरु उपासना हेतु श्रेष्ठ माना गया है। अगर इसके इतिहास को देखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इसी दिन अपना पहला उपदेश दिया था। यही कारण है कि गौतम बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करने के लिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा वह दिन भी है जो महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास की जयंती का प्रतीक है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य पालकों मछुआरों के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण। बिहार सरकार के एनिमल एंड फिश रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मत्स्य निदेशालय के द्वारा मत्स्य पालकों मछुआरों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे में इच्छुक मत्स्य पालक और मछुआरे 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए मत्स्य पालकों और मछुआरों को fisheries.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए राज्य आदेश संख्या 2213 से विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in hdcitizenhome.html पर जाकर देख सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे माया सरोवर के बारे में। माया सरोवर बोधगया में स्थित है। करीब 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ये पार्क पर्यटकों के लिए हर दिन खुला रहता है और यहाँ मनोरंजन के ढेरों संसाधन उपलब्ध है। पार्क में मौजूद विभिन्न तरह की वनस्पतियां इसकी खूबसूरती को और भी मनमोहक बनाती हैं। इस पार्क के तालाब में आप नौका विहार के साथ साथ मछली पकड़ने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन संध्या के समय भगवान बुद्ध के ऊपर आधारित प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का आयोजन पानी के फव्वारे द्वारा बनाई गई जल स्क्रीन पर किया जाता है। यह कार्यक्रम लेजर शो के नाम से मशहूर है। पार्क प्रशासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपके दिन को आनंदमय बनाने के लिए आप यहां दोस्तों और मित्रों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। हर्ष फायरिंग पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। बिहार में हर्ष फायरिंग पर नकेल कसा जा सके, इसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए एक SOP जारी किया गया है, जिसके बारे में अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस SOP में पूर्व के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के उपाय किए गए। उन्होंने बताया कि SOP के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी पुलिस थाने को देनी होगी। वहीं अगर इन कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग होती है तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल की सजा और 1,00,000 जुर्माने के रूप में देने का प्रावधान है। इसके साथ ही हर्ष फायरिंग रोकने को विशेष घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसे आयोजक को भरना होगा, जिसमें कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी। वही अगर हर्ष फायरिंग के दौरान कोई व्यक्ति घायल हुआ अथवा नहीं सशस्त्र अधिनियम के तहत फायरिंग करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। इसके अलावा सभी थानों के द्वारा समारोह स्थलों की सूची बनाई जाएगी ताकि वहां CCTV कैमरे से नजर रखा जा सके। फायरिंग की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष को स्वयं घटनास्थल पर जाकर जांच करना होगा। मनीष कश्यप के खिलाफ EOU ने दायर किया आरोप पत्र। आर्थिक अपराध इकाई के विशेष न्यायाधीश मनोरंजन झा की अदालत के द्वारा
तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीटने और तमिलनाडु से बाहर निकालने का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु के सेंट्रल मंडल कारा मदुरई में बंद बिहार के मनीष कश्यप को 11 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया गया। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कांड संख्या 04/23 में मनीष कश्यप समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ऐसे में अब मनीष कश्यप कोर्ट में पेश होंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। मालूम हो कि तमिलनाडु में कथित हिंसा से संबंधित फर्जी वीडियो को बनाने के बाद उसे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर 6 मार्च 2023 को अपलोड किया गया था, जिसके 4 स्क्रीनशॉट को लेकर मनीष कश्यप के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के साथ पोस्ट किया गया था। दरभंगा में 5 संदिग्धों से घंटों पूछताछ कर लौटी NIA की टीम। बीते दिन NIA की टीम के द्वारा दरभंगा जिले के बहेरा थाना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए लगभग 6 घंटों तक 5 संदिग्ध लोगों से कड़ी पूछताछ की गई है। बता दें कि सबसे पहले NIA की टीम के द्वारा दरभंगा पुलिस की मदद से बहेरा से छोटकी बाजार से मोहम्मद हबीबुल्ला के बेटे समीउल्लाह को हिरासत में लेकर थाना गई और करीब 4 घंटे तक पूछताछ कर PR बाउंड पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद NIA की टीम गजियाना गांव पहुंची, जहां उन्होंने 4 युवकों से लगभग 3 घंटों तक पूछताछ की और फिर वापस लौट आई। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार NIA की टीम के द्वारा समीउल्लाह के पास से कुछ किताब और उसके मोबाइल को सिम के साथ जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल से कुछ सबूत मिले जिसका संबंध ISI के साथ है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बीरेंद्रनाथ सरकार के बारे में। BN सरकार के नाम से प्रसिद्ध बीरेंद्रनाथ सरकार भारतीय फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनके महान योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार द्वारा सन 1970 में उन्हें भारतीय फिल्म क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा सन 1972 में उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 10 फरवरी 1931 को उन्होंने न्यू थिएटर्स कलकत्ता की स्थापना की। वह 1940 के दशक के अंत में BMPA के अध्यक्ष थे। उन्होंने कई फिल्मों की फिल्मोग्राफी की जिसमें देना पावना, नातीर, पूजा, पुनर्जन्म, मोहब्बत के आंसू, उर्दू जिंदा, लैस उर्दू, चीर कुमार सभा, पल्ली समाज और चंडीदास जैसे फिल्मों के नाम शामिल है। 13 को भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। पूरे 2 महीने तक चलेगा श्रावणी मेला, ऐप पर मिलेगी मेले से जुड़ी जानकारी। सुल्तानगंज में लगने वाले श्रावणी मेले का उद्घाटन 4 जुलाई को होने वाला है। बता दें कि यह मेला लगभग 2 महीने यानी 31 अगस्त तक रहेगा, क्योंकि इस वर्ष का सावन मलमास के कारण पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, इसलिए मेले का आयोजन भी लगभग 2 महीने तक चलने वाला है। पर्यटन विभाग आने वाले पर्यटकों के लिए उनके आवास से लेकर उनके मनोरंजन तक की सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तैयारी लगभग अंतिम चरण में ही है। साथ ही मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी देखने को मिलेगा, जहां प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपने भक्तिमय गाने की प्रस्तुति देंगे। बता दें कि मेले से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको बिहार पर्यटन के आधिकारिक मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। IIIT और BAU ने किसानों की सुविधा के लिए बनाया है। IIIT और BAU के द्वारा किसानों के लिए एक ऐसा अनोखा ऐप बनाया गया है जिससे कि उन्हें काफी मदद मिलने वाली है। बता दें कि इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल की बीमारी का पता लगा सकते हैं और साथ ही उसके उपचार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मालूम हो कि तैयार किए गए निरोग नामक ऐप में 11 तरह के फसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मालूम हो कि अगर किसी फसल के पत्ते में छिद्र हो जाता है तो किसान उसकी तस्वीर को लेकर ऐप पर अपलोड कर देंगे, जिसके बाद यह ऐप सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी जानकारी देगा और साथ ही उसका उपचार भी किसानों को मिल जाएगा, जिससे कि किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र या दुकानों से फसल में हुई उस बीमारी की दवाइयां ले सकेंगे। बता दें कि इस ऐप के निर्माण होने से किसानों को खेती करने में काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही उनके पैदावार भी अच्छे होंगे। बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूली बच्चे फेंकेंगे बीज बम। बिहार के स्कूली बच्चों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीज बम फेंका जाएगा। बता दें कि इसके लिए बजाबते स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीज बम पौधारोपण की नई तकनीक है, जिसमें बीज का एक गेंद तैयार किया जाता है और उसे बंजर भूमि, रेल पटरी, नदियों, तालाबों के किनारे फेंक कर पौधारोपण किया जाता है। मालूम हो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य में यह अनोखा अभियान राष्ट्रव्यापी संगठन तरु मित्र की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस बारे में तरु मित्र के समन्वयक देवोप्रिया दत्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी योजना राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर कम से कम 1 लाख बीज बम गिराने में लगभग 50,000 स्कूली बच्चों को शामिल करने की है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बीज बम से हरा आवरण बढ़ेगा और सुंदर वातावरण तैयार होगा। कानून की पढ़ाई की चाह रखने वालों के लिए शुरू हो चुका है क्लैट रजिस्ट्रेशन। कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 नवम्बर 2023 है। कानून की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी स्नातक और परास्नातक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट
consortiumofnlus.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्लैट की परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके आवेदन शुल्क कुल 4,000 रुपए लगने वाले हैं। वही SC ST और BPL से आने वाले अभ्यर्थियों को 3,500 आवेदन शुल्क लगेंगे। बिहार में दिन तक वज्रपात के साथ में गर्जन होने की संभावना। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के लगभग जिलों में जल जमाव जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में IMD बिहार के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज जाने के 3 जुलाई को राज्य में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ में मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर और बांका जिले में एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिले में एक या दो स्थानों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर कल यानी कि 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो राज्य में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ में गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि राज्य में इस तरह का मौसम 5 जुलाई तक बना रहने वाला है। बिहार की मनीषा रानी की फैन हुई एक्ट्रेस। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 में इस बार बिहार की मनीषा रानी ने भी अपना कदम रखा है। बता दें कि मनीषा रानी के अंदाज को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। वही अब इन सबके बीच बिग बॉस मराठी सीजन 2 फेम एक्ट्रेस रूपाली भोसले के द्वारा बताया गया है कि उन्हें सलमान खान का शो काफी पसंद है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस शो में उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। बता दें कि रूपाली भोसले के द्वारा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिग बॉस OTT 2 कंटेस्टेंट मनीषा रानी की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने मनोरंजन का पूरा पैकेज बताया। वही इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, एंटरटेनर क्यूट ब्यूटीफुल नेक्स्ट सोल #कंप्लीट पैकेज #मनीषा रानी #बिग बॉस OTT 2। मालूम हो कि इससे पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह द्वारा भी मनीषा रानी की तारीफ की गई थी और लोगों की अपील की गई थी कि उन्हें जीत दिलाई जाए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने लालू यादव से किया अपील। बिहार में लगातार नए शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। नियोजित शिक्षक इसे लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे राज्यों में अभ्यर्थियों को भी आवेदन कर सकेंगे। अब इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बीते ही रात मुलाकात के लिए पहुंचे। इनके साथ और भी अन्य लोग मौजूद। बता दें कि इस मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बात करेंगे। राज्य में वज्रपात से हुई मौत पर CM नीतीश कुमार ने जाहिर की संवेदना। राज्य में वज्रपात से हुई 3 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना जताई गई है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वज्रपात से सुपौल में 2 लोग एवं औरंगाबाद में 1 बच्ची की वज्रपात से मौत हो गई। ऐसे में CM नीतीश कुमार द्वारा प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि सभी लोग मौसम खराब में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें और खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। रेलवे की तरफ से मात्र 100 रुपए में स्टेशन पर ठहरने के लिए मिल जाएंगे रूम। भारतीय रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे उनके सफर को आरामदायक बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं लेकर आता है, खासकर किसी तरह के त्योहार या गर्मी के दौरान समर स्पेशल ट्रेन चलाकर। हालांकि कई बार यात्रियों को रेलवे द्वारा दी जा रही कई सुविधाओं की जानकारी भी नहीं हो पाती। अब इसी कड़ी में आज हम आपको एक और रेलवे द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल जब हम ट्रेन के जरिए किसी लंबे सफर पर निकलते हैं तो हमें ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर घंटों तक रुकना पड़ता है, तो हम स्टेशन के आसपास आराम करने के लिए किसी होटल को ढूंढते हैं जो काफी महंगा पड़ जाता है। लेकिन अब आपको कहीं बाहर रूम ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब स्टेशन पर ही आपको काफी सस्ते में अच्छे रूम मिल जाएंगे। बता दें कि इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की हो सकती है। यदि आप इस रूम को बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको IRCTC में लॉग इन कर माई बुकिंग में जाकर रिटायरिंग रूम में जाना होगा, उसके बाद आसानी से रूम बुक कर लेंगे। आज लालू यादव करेंगे नीतीश कुमार के जीवनी का लोकार्पण। 3 जुलाई यानी कि आज नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब यानी उनकी जीवनी का लोकार्पण किया जाना है। इस किताब का शीर्षक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से है। बता दें कि इस जीवनी का लोकार्पण राजद अध्यक्ष लालू यादव करने वाले हैं। इस किताब के लेखक उदय कांत है, जिन्होंने किताब में बड़े ही सहजता के साथ CM नीतीश के जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताया है।
जीवन के पहलुओं में केवल राजनीति ही नहीं बल्कि उनके जीवन के कई अनसुने पलों को भी बताने की कोशिश की गई है। साथ ही किताब में इस बात की चर्चा भी की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने पिता के माध्यम से राजनीति से प्रभावित हुए। दरभंगा एम्स को लेकर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान। दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर कुछ दिक्कतें सामने आई थी, जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार देखने को मिली, जिसके कारण इसके निर्माण को लेकर संकट गहराने लगा। हालांकि अब पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर इसका संज्ञान लिया है। दरअसल एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स निर्माण संबंधी कार्यों की जानकारी ली। बता दें कि यह बैठक देश भर में बनाए जा रहे 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के भवन निर्माण पर समीक्षा को लेकर था, जिसमें दरभंगा में बनने वाले एम्स भी शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा लिए जा रहे इस समीक्षा को लेकर दरभंगा एम्स निर्माण में एक और उम्मीद सामने आ गई है। एनसीपी टूट पर बीजेपी ने आरजेडी और जदयू पर किया हमला। शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा ट्वीट कर आरजेडी और जदयू पर तंज कसा गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी हुआ वह किसी भी पारिवारिक राजनीतिक दल और निजी पॉकेट की दुकान के लिए नसीहत है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी एनसीपी के साथ में घटनाक्रम को अपने भविष्य का दर्शन कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन अजीत पवार के द्वारा सरकार में शामिल होते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करने वाले राज्यों से बीसीसीआई ने की है मांग। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा 2023 वनडे वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी करने वाले देश के सभी 10 राज्यों से द्विपक्षीय सीरीज के दौरान एक दिवसीय मैचों की मेजबानी करने की स्वेच्छा से छोड़ने के लिए कहा है, जिससे कि उन राज्य संघों को भरपाई की जा सके जो प्रतिष्ठित आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी से चूक गए हैं। बता दें कि बीसीसीआई का यह फैसला सचिव जय शाह द्वारा 28 जून को राज्य के क्रिकेट संघ को लिखे पत्र में सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके प्रस्ताव को विश्व कप की मेजबानी करने वाले स्थलों के अधिकारियों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसमें दिल्ली, धर्मशाला, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ शामिल है। हालांकि विश्व कप के दौरान सिर्फ अभ्यास मैचों की मेजबानी करने वाले गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को आगामी सत्र में मेजबानी का मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व कप भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्द। मुगल सम्राट के आदेश से 1746 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को फांसी दे दी गई। मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को 1879 में गिरफ्तार कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर हुए। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के बीच 1972 में कश्मीर संबंधी निशस्त्र समझौता हुआ। कोलकाता में दूसरे हावड़ा पुल के नाम से मशहूर विद्या सागर सेतु का निर्माण 1979 में शुरू हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र शाह शुजा का जन्म 1616 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म 1857 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन 1996 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट बताकर एक फर्जी वेबसाइट https://samagrashiksha.organization विभिन्न पदों पर नौकरी देने का दावा कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट सरकार से संबंधित नहीं है। भारत की प्रामाणिक जानकारी के लिए http://samagraeducation.gov.in पर जाएं। व्हाट्सएप में जल्द आप एचडी क्वालिटी की वीडियो कर पाएंगे शेयर। व्हाट्सएप पर भेजे गए वीडियो की क्वालिटी अपने आप में कम हो जाती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को वीडियो खराब दिखता है। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए मेटा व्हाट्सएप में वीडियो क्वालिटी को एनहांस कर रहा है और जल्द आप वीडियो को एचडी क्वालिटी में भी भेज पाएंगे। वेबटा इन्फो के मुताबिक कंपनी यूजर्स को वीडियो शेयर करने के दौरान उसकी क्वालिटी सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन देगी। इसमें आपको स्टैंडर्ड और एचडी का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों से आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आप एचडी वीडियो क्वालिटी को चुनते हैं तो सामने वाले यूजर को वीडियो इसी क्वालिटी में मिलेगी और वीडियो मैसेज में ये लिखा है आएगा कि ये फाइल एचडी क्वालिटी में शेयर की गई है। फिलहाल ये अपडेट कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। राम नगरी जाना होगा अब और भी आसान। जल्द तैयार होगा अयोध्या एयरपोर्ट। उम्मीद है कि अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस हवाई अड्डे के विकास में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से सामने आई है।
मिली जानकारी के अनुसार A320 और B737 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए नया हवाई अड्डा उपयुक्त होगा। रामनगरी कहीं जाने वाले अयोध्या धार्मिक पर्यटकों के लिए काफी अहम है। ऐसे में हवाई अड्डे का निर्माण होता है तो पर्यटकों को आने जाने में और भी आसानी होगी। इस हवाई अड्डे पर रनवे के विकास के साथ साथ एक टर्मिनल भवन, एक ATC टावर, एक फायर स्टेशन और कार पार्किंग कोर्ट सी प्रकार के एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए 3 नए एप्रन भी शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुमारी संजना, भावना सिंह, बद्री कुमार, प्रवीण, कृष्णा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मृत्युंजय कुमार, कुश कुमार यादव, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, पंचम वर्मा, राजकिशोर महतो, मुटू रंगीला, नीरज कुमार निराली, सबरी, बाबूलाल मरांडी। अब इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने गुरु के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।